देखिए 24 का जो चुनाव है इस देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस समय बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने अंदर अपनी ही पार्टी को मजबूत रखना। तेजस्वी जी एक उन्नत बिहार, एक सशक्त बिहार, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। महिलाएं जो बच्ची बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, उन महिलाओं को सरेआम निर्वस्त किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को उनके लिए बोलने के कोई शब्द नहीं है। 2024 बेहद करीब है। आपको बताते चले कि 2024 की तैयारी में इंडिया गठबंधन भी पूरे जोर शोर से लगा है। वहीं आपको बताते चले कि एनडीओ भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ आपको बताते चले कि लगातार जो है सियासी जो माहौल है गर्म है। आपको बताते चले कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर कोई उठापटक जारी है, लेकिन नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे कि हम कहीं से टसमस होने वाले नहीं है, इंडिया को जिताना ही मेरा लक्ष्य है। नीतीश कुमार के नेता भी कह रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के नेता है, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। जिस तरीके से 24 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, खूब सियासी हलचल बढ़ी हुई है। कोई कह रहा है कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। बरसाती जो चुनावी जो बरसात है वो भी शुरू हो गया। आप क्या लग रहा है, आप तो पार्टी के करीब जुड़े हुए हैं, कैसे लोगों को आप लोग जोड़ रहे हैं? देखिए 24 का जो चुनाव है इस देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये एक सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, ये एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव है। एक ऐसा दौर है जब इस देश में महात्मा गांधी के सपनों का भारत होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा, या देश के विभाजनकारी शक्तियां मजबूत होंगी, इस पर जनता को वोट करना है। और जो इंडिया गठबंधन है इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के सामने खड़ा है इस समय। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो भ्रष्टाचारियों की जमात है, वो लोग अपना अपना रोटी सेकने के लिए कोई इधर है कोई इधर है। कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव उठ गए हैं, तो कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जल्दी ही इधर से चले जाएंगे, 24 आते आते बिखर जाएंगे। आप लोग को लग रहा है, एकजुट रहिएगा आप लोग? देखिए जहाँ तक बिखराव की बात है, अगर इस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और आप देखिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में और फिर तेलंगाना में, रोज दिन कुछ न कुछ बीजेपी के नेता कांग्रेस जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। तो इस समय बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट है कि इनके अंदर जो एक कलह है, अंतर कलह है, जो अंतर द्वंद्व है, जो अंतर विभाजन है, वो ये है कि जिन बाहर के नेताओं को इन्होंने एक समय में जोड़ा है वो इनके न आइडियोलॉजीज में विश्वास करते हैं, न इनकी संस्कृति में विश्वास करते हैं। और जो कार्यकर्ता दशकों से इस पार्टी में कार्य करते रहे हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इस समय बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने अंदर अपनी ही पार्टी को मजबूत रखना। आपके नेता तेजस्वी यादव लगातार 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करते रहे, उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद से जैसे ही फिर महागठबंधन की सरकार बनी, 20 लाख की बात आ गई कि 20 लाख रोजगार भी दे दिया जाएगा कुल मिला करके। लेकिन जो चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा रोजगार से, जिस तरीके से 2020 में जो रोजगार को लेकर के युवाओं में जो जोश था, कहीं ना कहीं क्या आप लोग उस रोजगार वाले मुद्दे को लेकर के क्या 24 को भी पूरे देश में ले जा पाइएगा आप लोग? देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी जब वादा करते हैं तो उस पर अमल करते हैं। हम चुनाव के समय वादा करने के बाद, वोट लेने के बाद उनको जुमला नहीं कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार 4 लाख से ज़्यादा नौकरियों का सृजन हुआ है। अभी अगले 2 तारीख को इसी गांधी मैदान में बहुत बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र लाखों लोगों को दिया जाने वाला है। तो तेजस्वी जी एक उन्नत बिहार, एक सशक्त बिहार, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, जिसमें युवा हों, मजदूर हों, गरीब हों, पिछड़े हों, सबको उचित सम्मान मिले और सबको विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तेजस्वी जी लगातार तो रोजगार की बात करते रहे हैं, कर भी रहे, रोजगार भी बिहार में खूब मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, देश स्तर पर चर्चा है। लेकिन आप ही के नेता जो हैं
इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आखिर इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में क्यों नहीं माहौल बना रहा? देखिए, हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसका अभी जो एजेंडा है वो बनने वाला है, और जब वो एजेंडा बन के जनता के सामने आएगा तो जनता के सारे मुद्दे उसमें होंगे। वैसे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपने अपने जगह पे, आप जानते हैं कि ये गठबंधन पूरे देश का गठबंधन है और इसमें कई मुख्यमंत्री हैं, कई बहुत ही सीनियर नेता हैं, तो सभी इंडिया गठबंधन का जो संदेश है वो लेके अपने अपने स्तर पर जनता के सामने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, आप प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी करीब से मतलब रिश्ता रहा है, आप देखते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ लगातार कह रहे हैं कि जो बिहार है जंगल राज टू की तरफ बढ़ रहा है, लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्या पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन जो प्रक्रिया है वो गलत दिशा में चल रही है बिहार की? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और जो क्राइम का डेटा हर राज्यों से कलेक्ट करता है, आप उस डेटा को देखिए तो बिहार आपराधिक घटनाओं में बीजेपी के रूल्ड बहुत सारे स्टेट से काफ़ी नीचे है, तो इसलिए आपराधिक घटनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जहां ये घटनाओं की बात करते हैं तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि एक बार जाके मणिपुर में देखें कि क्या हालात हैं, जहां की महिलाएं जो बच्ची बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, उन महिलाओं को सरेआम निर्वस्त किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को उनके लिए बोलने के कोई शब्द नहीं है। और तीसरी बात, ये कहते हैं कि कश्मीर में 370 धारा हटाने के बाद वहाँ शांति बहाल हो गई है। अभी 5 राज्यों का चुनाव की घोषणा हुई 9 अक्टूबर को, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि कश्मीर में चुनाव कराने के हालात नहीं हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि कश्मीर की स्थिति खराब है, चुनाव भी नहीं कराया जा सकता है। तो ये बीजेपी रूल्ड स्टेट की ये कहानी है। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हमारे साथ बात करे, तो उन्होंने साफ साफ 24 को लेकर के जो इंडिया का विजन है उसको रखा है, साथ ही जो क्राइम की बातें होती हैं इनका जो प्रशासनिक तौर पे एक तरीके से कहे कि गहरा रिश्ता रहा, लगाव रहा है।